सबको दिल से सलाम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ माँ मोटर से। ये गाड़ी जो दिख रहा है, ये गाड़ी बोलेरो पिकअप BS6 है। तो ये गाड़ी का जो पिकअप है, पिकअप नहीं हो रहा है। दो सेकलाइट होता है ये BS6 गाड़ी में। दो सेकलाइट भी जल रहा है, कंटिन्यू आ रहा है दो सेकलाइट। तो आइए देखते हैं सेकलाइट किस लिए जल रहा है, और लैपटॉप लगा के देखते हैं क्या फॉल्ट है, किस लिए रेस नहीं हो रहा है। तो एक बार देखता है मीटर में क्या क्या सिंगल है। ऑन करेंगे, ऑन करो। दो सेक लाइट है, और इधर ये रीजन लाइट, इसको रीजन लाइट बोलता है। और इधर में दो सेक लाइट है, ये जो लिखा है वो वाला सेक लाइट है, ऊपर वाला जो है वो भी सेक लाइट है। तो एक बार स्टार्ट करके देखते हैं रेस होता है ना नहीं होता है। स्टार्ट करो। स्टार्ट हो गया। तो ये सेक लाइट ऑफ होना चाहिए, तो ऑफ नहीं हो रहा है। और जो रीजन का लाइट वो भी ऑफ होना चाहिए, ऑफ नहीं हो रहा है। जब शूट मत ज़्यादा होता है तब ये लाइट बिलिंग करता है। बिलिंग नहीं है, खाली मीटर में लाइट जला है और चेक लाइट भी जला है। रेस करो। एक्सेलेटर फुल दबा के रखा है, रेस नहीं हो रहा है। सरो, धीरे धीरे दबाओ। फुल मार के रखा है, दबा के रखा है, रेस नहीं हो रहा है। सरो, दबाओ, धीरे धीरे दबाओ। फुल दबा के रखा है, रेस नहीं हो रहा है। रेस होना चाहिए, और रेस होना चाहिए। और ये मीटर में दो लाइट आ रहा है, ऑफ होना चाहिए। सेक लाइट भी ऑफ होना चाहिए, और डीपी रीजन का जो लाइट है वो भी ऑफ होना चाहिए। तो एक बार स्किनर लगा के देखते हैं क्या फॉल्ट कोड आ रहा है। स्किनर लगा है, स्किनर में ये ऑक्सीजन का फॉल्ट आया, P0420 पार्ट नंबर। तो ये फॉल्ट आने का वजह से मीटर में जो सेक लाइट आ रहा है, दो सेक लाइट, एक रीजन का लाइट और सेक लाइट आ रहा है, ये फॉल्ट का वजह से आ रहा है। तो अभी भी है मीटर में दो सिंगल है, एक सेक लाइट और रीजन का लाइट। तो एक बार शूट मास देखता है कितना है। ये शूट मास बहुत हाई हो गया, 27.99। ये आ गया ऑक्सीजन सेंसर के लिए, ये शूट मास मतलब बार बार हाई हो रहा है। मतलब ऑक्सीजन सेंसर के लिए शूट मास हाई हो गया। हाँ। और जो ये अच्छा, ये मीटर में जो सेक लाइट आ रहा है उसके लिए आ रहा है, ऑक्सीजन सेंसर के लिए आ रहा है, ऑक्सीजन सेंसर के लिए आ रहा है। और हम तो जानता है ये डीपी शूट मत जब हाई होगा तब ये बिलिंग करेगा, अभी तो बिलिंग नहीं कर रहा है, ऐसे जल रहा है। ऐसे जल रहा है। तो कितना किलोग्राम हो गया शूट मास? 27.99। और कितना होना चाहिए? ये तो मिनिमम तो 1 point something। तो ये स्किनर लगाने के बाद किसका फॉल्ट दिख रहा है? ये ऑक्सीजन सेंसर का। ऑक्सीजन सेंसर मतलब सेंसर का ना, वायरिंग का? ये सेंसर का आ रहा है। सेंसर का, तो अभी सेंसर खुल के देखेंगे ना। तो ये क्लियर करने से ये फॉल्ट लाइट जा सकता है क्या? जाएगा, फिर दोबारा आ जाएगा। दोबारा आ जाएगा तो क्लियर करने का कोई फायदा नहीं है। कोई फायदा नहीं है। तो अभी सेंसर खुलता है डायरेक्ट। हाँ, इधर में तो लैम्डा सेंसर 1, लेकिन इसका नाम लगाया है वो ऑक्सीजन का सेंसर बुलाया है। यही है ऑक्सीजन सेंसर है। सिलेंसर में फिटिंग होता है? हाँ, सिलेंसर दो होता है, एक ऊपर में एक नीचे में है, एक अपर स्ट्रीम एक डाउन स्ट्रीम। डाउन स्ट्रीम। तो ये खुल के देखता है एक बार। हाँ। अच्छा, ये सेंसर चेक करने का कोई सिस्टम है क्या? सिस्टम है, लेकिन नहीं खुल के ऐसे कोई सेंसर चेक करने का सिस्टम है क्या? नहीं है ना। नहीं है। तो अभी खुल के क्या करेंगे? देखेंगे कितना कार्बन है, नहीं है। ठीक है, खुलता है एक बार। बिलो वायरिंग खुली, आ खुलिए। डाउन वाला भी खुलेंगे ना? हाँ, दोनों खुलेंगे। यहाँ पर वाला हो गया, ये तो बहुत कार्बन हो गया, क्लियर नहीं हो रहा है, बहुत कार्बन हो गया। एक बार सभा करके लगाएंगे एक बार देखते हैं। दोनों खोल दिया, ऑक्सीजन सेंसर आया, और गाड़ी में लिखा है लैम्डा सेंसर, डाउन स्ट्रीम, अपर स्ट्रीम। लैपटॉप में है ऑक्सीजन सेंसर। तो दोनों खोल दिया। यह अपर वाला में थोड़ा सा कार्बन लग गया, और लोअर वाला में कार्बन नहीं है। मतलब ऐसा लग रहा है कोई काम ही नहीं कर रहा है, ऐसा लग रहा है देखने में। तो दोनों एक बार वॉश करके लगा के देखता है ठीक होता है ना नहीं होता है। नहीं होने से तो
ये सेंसर ही चेंज करना पड़ेगा, एक बार लगा के देखता है। ये पेट्रोल से वॉश कर रहा हूँ, वॉश करके एक बार लगा के देखता है। काम चलने से तो चेंज करने का जरूरत नहीं है, और नहीं होने से चेंज करना पड़ेगा। एक बार वॉश करके लगा के देखता है एक बार। ये दोनों सफाई किया है, अभी फिटिंग करके देखेंगे। ये फिटिंग कर रहा है, ये ऊपर वाला फिटिंग हो गया, अभी नीचे में एक तो है वो फिटिंग कर रहा है, वो फिटिंग कर रहा है उधर। ये फिटिंग कर दिया, अभी देखेंगे इसके नल में क्या फॉल्ट है। क्लियर ट्रबल कोड, क्लियर ट्रबल कोड सक्सेसफुल। अभी दोबारा चेक करेंगे, रेड ट्रबल कोड, नो ट्रबल कोड, कोई फॉल्ट नहीं है। अभी मीटर में देखा, इग्निशन ऑन करो, ऑन किया है। अभी चेक इंजन तो गया है, लेकिन वो जो रीजन का लाइट है वो डायरेक्ट जल रहा है, लेकिन शूट मास भी हाई है 27.99। अभी एक बार स्टार्ट करेंगे, स्टार्ट करो। स्टार्ट हो गया, चेक लाइट नहीं है, खाली रीजन का लाइट है, वो अभी रीजन करेंगे। ये देखते हैं स्पेशल फंक्शन DPF सर्विस रिजनेशन। अभी इसका इंजन कूलर टेम्परेचर 70-75 होना चाहिए, अभी 27.99 है। ये शॉर्ट मास है, अभी इसको रीजन करेंगे, पहले हीट होने दो। ये रीजन का स्टार्ट आ गया, अभी स्टार्ट करेंगे। ये ओके, ये रीजन अपने आप ले लिया, इंजन हाईरेस हो गया। एक्सेलेरेटर पेडल भी नहीं दबाया है, बस ये ऑटोमेटिक ले रहा है, अभी रिजनरेशन हो रहा है।